नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महानगर में नगर निगम के पार्षद व महापौर का कार्यकाल हुआ खत्म। कार्यों की देखभाल करने के लिए जिला स्तरीय टीम किया जा रहा है नामित। जनता का नहीं रुकेगा काम, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए भाजपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने आयुक्त न्यायालय पहुंचकर किया नामांकन। कहा, स्नातक पास युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में मार्ग प्रशस्त करना है उनकी पहली प्राथमिकता। लूट की घटना कारित करने के आरोप में दो शातिर अभियुक्तों मार्कंडे निषाद और राहुल कुमार विश्वकर्मा को चौरी चौरा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 7200 रुपए व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर कूट रचित नियुक्ति पत्र देकर 17,65,000 रुपया हड़पने के आरोप में वांछित अभियुक्त प्रमोद कुमार को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अवैध रूप से संचालित सत्यम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई महिला की मृत्यु के आरोप में वांछित अभियुक्ता को गुलरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के 4 अभियुक्तों जगन निषाद, रमेश निषाद, विजय निषाद व सत्यम निषाद को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 5 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के 4थे दिन 5 प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर 7 सेट में किया नामांकन। 2 ने लिया पर्चा। अभी तक 31 प्रत्याशियों ने लिया है पर्चा। 12 जनवरी तक कर सकेंगे नामांकन। 13 जनवरी को होगा पर्चों की जांच। 16 जनवरी को होगी नाम वापसी। 30 जनवरी को होगा मतदान। 2 फरवरी को होगी मतगणना। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। जनपद में ठंड से बचने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा 55,000 जरूरतमंदों में किया जा चुका है कंबल का वितरण। 400 जगह पर जल रहा है अलाव, प्रतिदिन लिया जाता है रिपोर्ट, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। रेते स्थित कालीबाड़ी मंदिर के पास 2 मंजिले मकान में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने कहा, नहीं हुई कोई जनहानि, आग लगने के कारण की कराई जा रही है जांच। कारित करने के लिए अपहरण करने के आरोप में वांछित अभियुक्ता को गुलरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। ग्यारह जनवरी से चंपा देवी पार्क में शुरू होने वाले गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने लिया जायजा। कहा, सभी तैयारियां हैं पूरी। महोत्सव में लोकल कलाकारों को दिया जा रहा है मंच। गैंगस्टर एक्ट के वांछित शातिर चोर मनीष यादव को चौरी चौरा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के नामांकन के सुरक्षा के दृष्टिगत कमिश्नरी गेट से आयुक्त न्यायालय तक पुलिस कर्मियों का लगाया गया है ड्यूटी। प्रत्याशियों को चेक करने के बाद ही भेजा गया नामांकन कक्ष तक, सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने दी जानकारी। लगातार बढ़ती ठंड की कहर से आम जनमानस नजर आ रहे हैं काफी परेशान। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, पूरे पूर्वांचल में 10 तारीख तक रहेगा घना कोहरा और शीतलहर। अब खबरें विस्तार से। महानगर में नगर निगम के पार्षदों व महापौर का कार्यकाल खत्म हुआ, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि जनपद में नगर निगम, नगर पंचायत का जहां भी कार्यकाल समाप्त हो गया है वहां पर एक कमेटी बनाई जा रही है, जिसके लिए एक जिला स्तरीय अधिकारी नामित किया जा रहा है। इसी तरह नगर पंचायतों में ईओ की भी टीम है
यहां भी एक जिला स्तरीय अधिकारी नामित होगा जिसको फाइनल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, जब तक नगर निकाय चुनाव नहीं हो जाता है वहां जनता के हित के लिए प्रतिदिन का कार्य किया जाएगा और कोई भी नीतिगत कार्य नहीं होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो गया है, सारा वापस ले आया हो गया वो जहाँ जहाँ नगर निकाय जैसे कि नगर पंचायत और नगर निगम का जहाँ भी कार्यकाल समाप्त हो गया है, मतलब जहाँ पहला बोर्ड बैठक का कार्यकाल पूरा हो गया है वहाँ पे एक अलग कमेटी का बनाया जा रहा है, जिसमें अगर नगर निगम है तो उस कमेटी में मैं भी हूँ, नगर आयुक्त भी है और एक जिला स्तरीय अधिकारी नामित होना है। इसी प्रकार जो नगर पंचायत है उसमें संबंधित नगर पंचायत के ईओ हैं, जिलाधिकारी के लिए है और एक जिला स्तरीय अधिकारी नामित होना है। ये अंडर प्रोसेस है, आज इसको फाइनल कर लिया जाएगा। सर, जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक ये नगर निगम और नगर निकाय का जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं जो रूटीन फंक्शनिंग के लिए चाहिए, जिसमें आम पब्लिक को सहूलियत हो, वही कार्य कराया जाएगा। कोई भी मेजर डिसीजंस हैं जैसे टैक्स के संबंध में, इस तरह के डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे। भाजपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए कमिश्नरी न्यायालय में पहुंचकर दो सेट में नामांकन किया, जिसके संबंध में भाजपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मेरा सबसे पहली प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश के सुशासन को मजबूती देना और मुख्यमंत्री योगी के राज्य में कानून को मजबूती देना और अपराधियों के खिलाफ छेड़ी गई लड़ाई को मजबूती देना है और पढ़े लिखे नौजवानों को उनके प्रतिभा और मेरिट व योग्यता के आधार पर शासकीय सेवा में जाने का मार्ग प्रशस्त करना है। उन्होंने कहा, मैंने भाजपा से नामांकन किया है, एक दो दिन में पार्टी के द्वारा नाम की घोषणा कर दी जाएगी। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि स्नातक छात्रों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाया जाए और शासकीय सेवा में ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एन जी, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के एमएलसी एवं एमएलसी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, तीन लोग जाएंगे, देखो भाई देखो यार, हम लोग भी आप लोग पीछे, कैमरा भाई इधर करो, अच्छे से करो, मजे आराम से बनाते चलो, आपकी पर्ची दे दीजिए, दे दीजिए, हम लोग देख धन्यवाद, ठीक दे दीजिए उसके आदमी हो गया भाई, 14-10 कर जिला निर्वाचन पहले शुरू हो जाता है, वहीं सब जगह आता रहे नहीं नहीं सर इसी में ही है, बाकी सब रसीदें इसी में लगेंगी। बाहर बैठ, कब लोग जो है नाम बताओ, सूरज है। हमारी प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश के सुशासन को आगे और मजबूती देना, हमारी प्राथमिकता है
योगी जी के कानून के राज को और मजबूती देना हमारी प्राथमिकता है। योगी जी के अपराधियों के खिलाफ छेड़ी गई लड़ाई को और मजबूती प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। पढ़े लिखे वर्ग के नौजवानों को उनकी प्रतिभा और मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर शासकीय सेवाओं में जाने का मार्ग प्रशस्त करना। भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग मेंबर हूँ। भारतीय जनता पार्टी से मैंने चौरी चौरा थाने की पुलिस ने लूट की घटना करने के आरोप में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मार्कंडे निषाद उर्फ दयानंद पुत्र राजू निषाद निवासी शिवपुर अतरिया थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर, दूसरा राहुल कुमार विश्वकर्मा पुत्र अखिलेश विश्वकर्मा निवासी छोटी कुरमौल टोला फटकहवा थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट का 7200 रुपए नगद घटना में प्रयुक्त कूट रचित नंबर प्लेट लगी हुई एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में चौरी चौरा थाने के उपनिरीक्षक विशाल कुमार उपाध्याय, रमेश चंद्र चौधरी, आलोक सिंह, कांस्टेबल प्रदीप कुमार, नीलेश कुमार यादव, पिंचू कुमार, कुंवर विजय सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, ये दिनांक 26 दिसंबर को चौकी सोनबरसा के पास एक अनंत जनसेवा केंद्र में 32,000 रुपये की लूट की एफआईआर लिखवाई गई थी। उसमें प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा की टीम द्वारा प्रयास करके वर्कआउट किया गया है घटना को, जिसमें अभियुक्त मार्कंडे निषाद और राहुल विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 7200 रुपये तथा उनका लूटा गया आधार कार्ड व वॉलेट बरामद किया गया है। साथ ही जिस मोटरसाइकिल से इन्होंने घटना कारित की थी अपराधियों ने, वो मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इनका एक तीसरा साथी है जो कि इस समय फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। दोनों अभियुक्तों ने घटनाक्रम की जानकारी दी और अभियोग को करना स्वीकार किया है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कैंट थाने की पुलिस ने एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर कूट रचित नियुक्ति पत्र देकर पैसा हड़पने के आरोप में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान प्रमोद कुमार पुत्र हरिचंद्र निवासी सिहटी कर थाना बखीरा जनपद संत कबीर नगर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि वादी मुकदमा कन्हई प्रसाद से एम्स गोरखपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर 17,65,000 रुपए लेकर कूट रचित नियुक्ति पत्र देकर पैसा हड़पने वाले अभियुक्त प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया गया है, तथा अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं पहले एक डिजिटल ऑनलाइन सेंटर में काम करता था, जिसके मालिक तथा उसके दो पार्टनर ने मुझसे कहा कि कोई ग्राहक ढूंढ कर लाओ जो हम लोगों को रुपया दे सके, हम लोग ऐसे एम्स का फर्जी नियुक्ति पत्र देकर पैसा हड़प लेंगे, जिनके साथ मिलकर मैंने कन्हई प्रसाद से 17,65,000 रुपए लिया था, जिसको जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, महिला उपनिरीक्षक दीप मंजरी पांडे, उपनिरीक्षक आशुतोष राय, कांस्टेबल विजय शुक्ला, संदीप सुरेश यादव शामिल रहे। गुलेरिया थाने की पुलिस ने अवैध रूप से संचालित सत्यम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई महिला की मृत्यु में वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान गीता भारती पुत्री रामाश्रय भारती निवासी पनियरा स्टेट बैंक के सामने थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्ता के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में ग्लरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे, वरिष्ठ उप निरीक्षक शीश कुमार शर्मा, महिला कांस्टेबल कोमल सिंह शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, विगत दिनों सत्यम अस्पताल के अंदर अवैध रूप से बिना किसी डिग्री के ऑपरेशन किए जाने के कारण महिला की मृत्यु के संबंध में पंजीकृत अभियोग में एक वांछित अभियुक्ता जो कि उस अस्पताल में दाई का कार्य कर रही थी उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास किसी भी तरह के दस्तावेज या ट्रेनिंग नहीं थी, इसके बाद भी उसने व अन्य तीन साथियों ने मिल करके उस महिला का ऑपरेशन किया जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में उसे नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के अंतरजनपदीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि रामगढ़ताल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान जगन निषाद पुत्र सुरेश प्रसाद निवासी बिछिया हनुमान मंदिर केवटान टोला थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा रमेश निषाद पुत्र लाल बहादुर निषाद निवासी बिछिया हनुमान मंदिर केवटान टोला थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, तीसरा विजय निषाद पुत्र संतोष निषाद निवासी बिछिया हनुमान मंदिर केवटान टोला थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, चौथा सत्यम निषाद पुत्र राजन निषाद निवासी कलानी कौड़ीराम थाना गगहा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरफ्तार अभियुक्त जो मोटरसाइकिल चोरी करने से पूर्व ई रिक्शा किराए पर लेकर वाहन पार्क करने वाले स्थान व अन्य स्थान पर जहां वाहन खड़े होते थे उन स्थानों पर रेकी करते थे, रेकी करने के उपरांत सही समय देखकर वाहनों की चोरी कर लेते थे, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, आजाद नगर चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह, उपनिरीक्षक आशीष सिंह, विजय कुमार ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल ज्ञानधारी पाल, कांस्टेबल विनित सिंह, चंदन भारती, सोनू शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना रामगढ़ ताल को एक अच्छी सफलता मिली, जिसमें उन्होंने एक अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोरी के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें 4 अभियुक्त सत्यम, विजय, जगन और रमेश को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग ई रिक्शा से पहले रेकी करते थे, ई रिक्शा से घूम घूम के उन सब जगहों को चिन्हित करते थे जहां पे गाड़ियां पार्क रहती हैं और उसके बाद में सही समय देखकर वहां से चोरी कर लेते थे। इस तरह की उनके पास से 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है एवं इनसे फर्दर पूछताछ की जा रही है, जिससे कि अन्य जनपदों या फिर अन्य जगहों पर जो जो मोटरसाइकिल उन्होंने बेची है उसका भी पता लगाया जा सके। इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के चौथे दिन 5 उम्मीदवारों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर 7 सेट में नामांकन किया, जिसके संबंध में अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के लिए नामांकन के लिए सोमवार को 2 प्रत्याशियों ने पर्चा लिया है। अभी तक कुल 31 प्रत्याशियों ने पर्चा लिया है, जिसमें से 5 प्रत्याशियों ने 7 सेट में नामांकन किया। उन्होंने बताया कि जो कि 12 जनवरी तक चलेगा और 13 जनवरी को पर्चों की जांच होगी और 16 जनवरी तक नाम वापसी होगा और 30 जनवरी को मतदान होगा व 2 फरवरी को मतगणना होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, एक मिनट सर।
अभी तक जो है हमारे गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के इस प्रक्रिया में जो है 31 लोगों ने नामांकन के फार्म लिए हैं और आज जो है 5 प्रत्याशियों ने अपने जो है नामांकन दिए हैं और इसमें हमारे जो है विपिन बिहारी शुक्ल, अखंड प्रताप सिंह, अविनाश प्रताप, देवेंद्र प्रताप सिंह और जो है सरजू प्रसाद दुबे। सर किसी प्रत्याशी ने 2 सीट में पर्चा लिया है? हाँ, इसमें जो है विपिन बिहारी शुक्ल और देवेंद्र प्रताप सिंह ने जो है 2-2 नामांकन किए हैं। ये नामांकन अभी 12 तारीख तक होगा और उसके बाद 13 तारीख को जांच होने के बाद जो है 16 तारीख तक नाम वापसी होने के बाद जो है हमारे जो भी प्रत्याशी होंगे जो चुनाव में खड़े होंगे उनके आधार पर चुनाव होगा और 30 जनवरी को ये चुनाव होगा। मतगणना 2 फरवरी 2023 को। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने जनपद में पड़ रही ठंड पर कहा कि जनपद में ठंड से बचने के लिए जरूरतमंदों में 55,000 कंबल नगर निगम, जिला प्रशासन, नगर पंचायत, एनजीओ के माध्यम से वितरित किया गया है। आगे भी वितरण का कार्य जारी है और महानगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 400 जगहों पर अलाव जल रहा है जिसका अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण भी करवाया जा रहा है। प्रतिदिन हर जगह से लिस्ट मंगवाकर चेक किया जा रहा है। ठंड को देखते हुए एलकेजी से कक्षा 12 तक के स्कूलों को दिनांक 10 जनवरी तक बंद किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा 55,000 के आसपास कंबल अभी तक अलग अलग जगह नगर निगम के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से, नगर पंचायत के माध्यम से और एनजीओ के माध्यम से वितरित किए जा चुके हैं और भी वितरण किया जा रहा है। नियरली अराउंड 350 से 400 जगह ऑन एन एवरेज ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में अलाव जलाया जा रहा है। इसका रेगुलर हर 2-3 दिन पर रैंडम निरीक्षण भी कराया जा रहा है। डेली सभी जगह से लिस्ट मंगवाई जा रही है, उसको रेगुलर चेक भी कराया जा रहा है और इसके अतिरिक्त ठंड को ध्यान में रखते हुए 9th और 10th को समर स्कूल्स बंद भी कर दिए गए हैं एक्सेप्ट जहाँ एग्जामिनेशन हो रहे हैं और वो भी अगर होंगे तो 10 से 2 बजे की टाइमिंग के बीच में होंगे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महानगर में नगर निगम के पार्षद व महापौर का कार्यकाल हुआ खत्म। कार्यों की देखभाल करने के लिए जिला स्तरीय टीम किया जा रहा है नामित। जनता का नहीं रुकेगा काम, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए भाजपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने आयुक्त न्यायालय पहुंचकर किया नामांकन। कहा स्नातक पास युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में मार्ग प्रशस्त करना है उनकी पहली प्राथमिकता। लूट की घटना कारित करने के आरोप में 2 शातिर अभियुक्तों मार्कंडे निषाद और राहुल कुमार विश्वकर्मा को चौरी चौरा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 7,200 रुपए व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर कूट रचित नियुक्ति पत्र देकर 17,65,000 रुपया हड़पने के आरोप में वांछित अभियुक्त प्रमोद कुमार को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल।
रूप से संचालित सत्यम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई महिला की मृत्यु के आरोप में वांछित अभियुक्ता को गुलरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के चार अभियुक्तों जगन निषाद, रमेश निषाद, विजय निषाद व सत्यम निषाद को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की 5 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के चौथे दिन 5 प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर 7 सेट में किया नामांकन, 2 ने लिया पर्चा, अभी तक 31 प्रत्याशियों ने लिया है पर्चा, 12 जनवरी तक कर सकेंगे नामांकन, 13 जनवरी को होगा पर्चों की जांच, 16 जनवरी को होगी नाम वापसी, 30 जनवरी को होगा मतदान, 2 फरवरी को होगी मतगणना। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। जनपद में ठंड से बचने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा 55,000 जरूरतमंदों में किया जा चुका है कंबल का वितरण, 400 जगह पर जल रहा है अलाव, प्रतिदिन लिया जाता है रिपोर्ट, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। रेते स्थित कालीबाड़ी मंदिर के पास 2 मंजिले मकान में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने कहा नहीं हुई कोई जनहानि, आग लगने के कारण की कराई जा रही है जांच। हत्याकारित करने के लिए अपहरण करने के आरोप में वांछित अभियुक्ता को गुलरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल, SP नॉर्थ ने दी जानकारी। ग्यारह जनवरी से चंपा देवी पार्क में शुरू होने वाले गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने लिया जायजा, कहा सभी तैयारियां हैं पूरी, महोत्सव में लोकल कलाकारों को दिया जा रहा है मंच। गैंगस्टर एक्ट के वांछित शातिर चोर मनीष यादव को चौरी चौरा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, SP नॉर्थ ने किया खुलासा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के नामांकन के सुरक्षा के दृष्टिगत कमिश्नरी गेट से आयुक्त न्यायालय तक पुलिस कर्मियों का लगाया गया है ड्यूटी, प्रत्याशियों को चेक करने के बाद ही भेजा गया नामांकन कक्ष तक, सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने दी जानकारी। और लगातार बढ़ती ठंड की कहर से आम जनमानस नजर आ रहे हैं काफी परेशान, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा पूरे पूर्वांचल में 10 तारीख तक रहेगा घना कोहरा और शीतलहर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेती स्थित कालीबाड़ी मंदिर के पास हरिचंद गुप्ता के मकान के प्रथम तल पर आज भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहे। वहीं दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस बीच स्थानीय लोग, नागरिक सुरक्षा समिति व राजघाट थाने की पुलिस भी सहयोग करती हुई नजर आई। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने बताया कि देर शाम राजघाट थाना क्षेत्र रेती चौक के पास अशोक गुप्ता का मकान जो 2 मंजिल का है उसके पहले मंजिल में आग लगी थी। मौके पर फायर ब्रिगेड और स्थानीय थाने की टीम वहां पर पहुंची। जानकारी में पता चला कि वहां पर साड़ी के कुछ गत्ते रखे हुए थे, उसमें आग लग गई थी। उन्होंने बताया कि कोई जनहानि नहीं हुई है, आग लगने के कारण की जांच के साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने कहा सब गत्ता बा। अरे यार पानी Thank you.
अब आप थोड़ा साइड हो जाइए, अब हमको काम कर राजघाट थाना क्षेत्र के रेती चौक के पास अशोक गुप्ता जी का एक मकान है, उसके दो तल्ला मकान है, दूसरे तल्ले पर एक कमरे में आग लगी थी, जिस पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और स्थानीय थाने की पुलिस पहुंची तो जांच की। उसमें पाया गया कि साड़ी के कुछ गत्ते रखे हुए थे जिसमें किन्हीं कारणों से आग लग गई थी। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गुलेरिया थाने की पुलिस ने हत्या कारित करने के आरोप में एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान चंदा निषाद पत्नी विद्या सागर निवासिनी हरसेवकपुर नंबर 2 बड़ी जमुनिया थाना गुलेरिया कुरकपुर हाल पता रमुआपुर थाना पिपराइच कुरकपुर के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्ता के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलेरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे, उपनिरीक्षक विजय शंकर यादव, कांस्टेबल मोहित कुमार, महिला कांस्टेबल मानसी तिवारी शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के अभियान के क्रम में आज दिनांक 8/1/2023 को थाना गुलरिया में एक वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जो धारा 364, 406, 120B के अंतर्गत अभियुक्ता थी। उसकी गिरफ्तारी करके नियमानुसार उसको जेल भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने चंपा देवी पार्क पहुंचकर 11 जनवरी से शुरू होने वाले गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि जनपद के चंपा देवी पार्क में 11 जनवरी से 13 जनवरी तक गोरखपुर महोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों का जायजा लिया गया है। अभी कुछ काम बाकी है जो की रात तक पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ पर अलग अलग विभागों द्वारा विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरा प्रयास है कि गोरखपुर महोत्सव प्रदेश का सबसे बड़ा महोत्सव और भव्य महोत्सव बने, जिसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में ज्यादातर लोकल कलाकारों को मौका दिया गया है, बस बॉलीवुड नाइट में बाहरी कलाकार बुलाए गए हैं। इस अवसर पर जीडी उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, लेना पड़ेगा। सर
उसकी आम पब्लिक घर से आएगी सामने। टोटल 5 गेट है इसके, सर एक गेट रखेंगे ये सर। अभी यहाँ पे कुछ मतलब टीम शेड लगा हुआ है, जो हमारा गोरस का काम कर रहा है ना, वो टीम शेड कवर किया हुआ है, उधर सामान ये भाई रुकना रुको है। और उसके बगल में सरस के लिए सरस ओपन रहता है, वो पैक नहीं रहता। ये कब तक आपका कंप्लीट होगा? ये तो कहाँ गया वहाँ कौन जाएगा था जगह सर, इस चीजें बनी हुई यहाँ प्रदर्शनी स्पॉन्सर्स के स्टॉल्स है और ये हमारा पूरा फूड कोर्ट एरिया है। ये तो सर ये और इतना चाहिएगा पार्किंग है बगल में यहाँ बैठने का कैसा कर रखे हैं सर? अठारह से 17 तक, मूलतः 11 से 13 तक महोत्सव होना है, तो उसके लिए लगभग सारी तैयारी फाइनलाइजेशन स्टेज पे है। आज वहाँ पे इवेंट मैनेजर के द्वारा कंप्लीट सेटअप तैयार कर दिया जाएगा। आज भी हम लोग एक बार मौका देखाएंगे, कल भी देखाएंगे, परसों उसका इनॉग्रेशन होना है और 13th को उसका क्लोजिंग होना है। बेसिकली यहाँ पे जनपद गोरखपुर में 11 से 13 तारीख तक गोरखपुर महोत्सव मनाया जाएगा, तो उस संबंध में तैयारी हम लोग देखने आए थे कि क्या स्थिति है, और यह रात तक आज रेडी भी हो जाएगा। कल अलग अलग जगह स्टॉल्स लगाए जाएंगे तो उसको भी हम लोग फाइनल कर लेंगे, एंड तैयारी मतलब अपनी जिस समय से चल रहा है और हम लोग इंश्योर करेंगे ये अच्छे से महोत्सव मनाया जाएगा। ये एक्चुअली जो हमारा महोत्सव है दिन में 12 बजे से इसका शो स्टार्ट है, तो अलग अलग कार्यक्रम रखा गया है जिसमें मैक्सिमम अराउंड 80-90% लोग स्थानीय किए गए हैं। जो मूल सेलिब्रेशंस नाइट्स हैं, जैसे एक स्लॉट्स दिया गया है जिसमें बाहर के कलाकारों को भी मौका दिया गया है, बट मोर देन 80% यहाँ जनपद गोरखपुर। चौरी चौरा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित सातवें चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मनीष यादव पुत्र राम आधार यादव निवासी वार्ड नंबर 2 मुंडेरा बाजार थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था जो कि वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में चौरी चौरा थाना प्रभारी जयंत कुमार सिंह, कांस्टेबल अजय कुमार, मनीष पांडे शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, संगठित अपराध और अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज चौरी चौरा थाने को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। इनके द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 627/22 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित अभियुक्त मनीष यादव की गिरफ्तारी की गई। उक्त अपराधी के विरुद्ध 3 मुकदमे पंजीकृत हैं जो गैंगस्टर एक्ट में वांछित था, इसको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के नामांकन के सुरक्षा के दृष्टिगत कमिश्नरी परिसर में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके संबंध में सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के नामांकन को सकुशल संपन्न कराने के लिए कमिश्नरी के दोनों गेटों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा एक कंपनी पीएससी की लगाई गई है। गेट से लेकर कमिश्नर न्यायालय तक बैरिकेडिंग किया गया है और गेट से लेकर न्यायालय तक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। अगर कोई प्रत्याशी नामांकन के लिए रहा है तो उसको चेक करने के बाद निर्धारित प्रस्तावक के साथ ही अंदर जाने दिया जा रहा है और पूरा नामांकन सीसीटीवी की निगरानी में संपन्न हो रहा है। उन्होंने कहा, हम लोगों का पूरा प्रयास है कि नामांकन को सकुशल संपन्न कराया जाए। इस अवसर पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुधीर सिंह, राजघाट थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह, पिपराइज थाने के उपनिरीक्षक दिनेश कुमार साहनी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा, रखना चाहिए लेकिन जो नॉन ऑर्डर के बहुत
ये चूँकि यहाँ पर डबल गेट है तो दोनों गेट्स पे एक एक प्रभारी के साथ में पूरा फोर्स लगाया गया है। एक कंपनी पीएससी की लगाई गई है। बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग के दोनों तरफ पूरा फोर्स लेडी कांस्टेबल्स सभी लगाए गए हैं। जो न्यायालय कक्ष है उसके बाहर और उसके अंदर एक्स्ट्रा फोर्स लगाया गया है, जिससे किसी तरीके का कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो। जो भी लोग यहाँ पे आएंगे वो बैरिकेडिंग के अंदर अनुमान्य लोग ही अंदर एंट्री किए दिए जाएंगे। पांच लोगों की परमिशन है तो पांच लोग ही अंदर जाएंगे। थैंक यू। लगातार बढ़ती ठंड की कहर से आम जनमानस में काफी समस्याएं आ रही हैं। ठंड के कारण मौसम ठीक ना होने और कई जगह नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था ना किए जाने से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इस संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम को देखते हुए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया है कि पूरे पूर्वांचल में 10 तारीख तक शीतलहर ऐसे ही बनी रहेगी और गाँव क्षेत्र में घना कोहरा अभी रहेगा। उन्होंने बताया कि जनपद और जनपद के आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा रहेगा और शीतलहर अभी बना रहेगा। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यदि बहुत आवश्यक ना हो तो कृपया अपने घर से कम निकलें। यदि गाड़ी चलाते हैं तो अपने गाड़ी के हेडलाइट को जलाकर रखें और सावधानी से गाड़ियों को चलाएं। जगह जगह अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। यदि कोई बाहर से आ रहा है तो वह रैन बसेरों में ही रुक सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक जगहों पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है ताकि ठंड से लोगों का बचाव हो सके। उन्होंने कहा कि 350 से ज़्यादा जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि ठंड से उनको निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण में जो हमारे पंचायत भवन है वहाँ भी हमारे द्वारा ठंड से बचने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आम नागरिक एवं जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा। जी भैया, बहुत समस्या है। सुबह निकलने में समस्या है, शाम को समस्या है। वहाँ देख रहे हैं चौराहे पे काफी भीड़ है। नगर निगम कोई लकड़ी की व्यवस्था करे यहाँ पे, जो है जनता देख रहा है आप काफी परेशान है। जगह जगह कोई इतना कबाल लेके जलाया जा रहा है, तो नगर निगम से यही उम्मीद हम लोग रखे हुए थोड़ी लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था की जाए। यहाँ पे काफी जनता घूम कर देख सकते हैं। भाई साहब बगल में है, आप बात कर लीजिए। दुकानदार है आपके बगल में, पूछ लीजिए। कोई लकड़ी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। रूप खेल ठंडी काफी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा भैया, बहुत काफी ठंडी बढ़ गई है। परेशानी इतनी ज्यादा हो रही है कि रास्ता चलना दुर्लभ हो गया है। पहले हम लोग के यहाँ लकड़ी गिर जाता था नगर निगम से, इस समय जो है लकड़ी गिर ही नहीं रहा है और सारे लोग यहाँ आते जाते हैं। ये मेन रोड है और सारे लोग ठंडक से सूख जाते हैं और काफी परेशानी हो रही है। कृपया हम लोग को लकड़ी का सुविधा कराइए ताकि अलाव जलाया जाए। नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था भी नहीं, नगर निगम से अभी तक नहीं व्यवस्था हुई है। कभी भी किसी वार्ड में भी किसी चौराहे किसी रास्ते पर नहीं हुआ है। ओम प्रकाश, ठंड काफी बढ़ गई है, किस प्रकार की समस्या हो रही है? बहुत समस्या है। अब हर साल जो है यहाँ पर
चौराहे पर अलाव के लिए जो है व्यवस्था नगर निगम से की जाती थी, इस साल कुछ नहीं हुआ, तो इससे ठंड के लिए जो है राहत नहीं मिल पा रही है, लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ चौराहे पर भीड़ होती है काफ़ी। देखिए अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो हम लोग को पूर्वानुमान उपलब्ध कराया गया है उसके अनुसार अभी पूरे पूर्वांचल साइड में अभी येलो जोन में और ऑरेंज जोन में पूरे प्रदेश क्षेत्र को रखा गया है, और जिस प्रकार 10 तारीख तक का हमारे पास जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार अभी कोल्ड वेव बना रहेगा, शीतलहर बनी रहेगी, और जो हमारे जो आउटर एरियाज हैं वहाँ पे डेंस फॉग रहेगा, घने से अधिक घना कोहरा वहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी आगामी दिनों में शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति जनपद और जनपद के आसपास के क्षेत्रों में बनी रहेगी। उक्त के दृष्टिगत आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन ये है कि यथासंभव यदि बहुत आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर न निकलें, और यदि निकलें ड्राइविंग करें तो अपने जो व्हीकल्स हैं उसके हेडलाइट्स को ऑन करके ही ड्राइव करें और सेफली ड्राइव करें, और समुचित जगहों पर रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था की गई है, तो यदि कोई भी बाहर से आगंतुक आ रहे हैं तो वो रैन बसेरों में विस्थापित हो सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहाँ पर समुचित व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की गई हैं। सार्वजनिक स्थलों पर अलाव भी लगातार जलवाया जा रहा है, 350 प्लस स्थलों पर इस समय अलाव जलाया जा रहा है। ग्रामीण अंचल में जो हमारे ग्राम पंचायत भवन है उन्हें भी हम लोगों ने। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महानगर में नगर निगम के पार्षद व महापौर का कार्यकाल हुआ खत्म, कार्यों की देखभाल करने के लिए जिला स्तरीय टीम किया जा रहा है नामित, जनता का नहीं रुकेगा काम, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए भाजपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने आयुक्त न्यायालय पहुंचकर किया नामांकन, कहा स्नातक पास युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में मार्ग प्रशस्त करना है उनकी पहली प्राथमिकता। लूट की घटना कारित करने के आरोप में दो शातिर अभियुक्तों मार्कंडे निषाद और राहुल कुमार विश्वकर्मा को चौरी चौरा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, लूट का 7200 रुपए व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर कूट रचित नियुक्ति पत्र देकर 17,65,000 रुपए हड़पने के आरोप में वांछित अभियुक्त प्रमोद कुमार को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अवैध रूप से संचालित सत्यम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई महिला की मृत्यु के आरोप में वांछित अभियुक्ता को गुलेरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के चार अभियुक्तों जगन निषाद, रमेश निषाद, विजय निषाद और सत्यम निषाद को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की 5 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के चौथे दिन 5 प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर 7 सेट में किया नामांकन, 2 ने लिया पर्चा, अभी तक 31 प्रत्याशियों ने लिया है पर्चा, 12 जनवरी तक कर सकेंगे नामांकन, 13 जनवरी को होगा पर्चियों की जांच, 16 जनवरी को होगी नाम वापसी, 30 जनवरी को होगा मतदान, 2 फरवरी को होगी मतगणना, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। जनपद में ठंड से बचने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा 55,000 जरूरतमंदों में किया जा चुका है कंबल का वितरण, 400 जगह पर जल रहा है अलाव, प्रतिदिन लिया जाता है रिपोर्ट, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। रेते स्थित कालीबाड़ी मंदिर के पास 2 मंजिले मकान में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने कहा नहीं हुई कोई जनहानि, आग लगने के कारण की कराई जा रही है जांच। कारित करने के लिए अपहरण करने के आरोप में वांछित अभियुक्ता को गुलेरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल, एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी।
11 जनवरी से चंपा देवी पार्क में शुरू होने वाले गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने लिया जायजा। कहा, सभी तैयारियां हैं पूरी, महोत्सव में लोकल कलाकारों को दिया जा रहा है मंच। गैंगस्टर एक्ट के वंश शातिर चोर मनीष यादव को चोरी चौरा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के नामांकन की सुरक्षा के दृष्टिगत कमिश्नरी गेट से आयुक्त न्यायालय तक पुलिस कर्मियों का लगाया गया है ड्यूटी। प्रत्याशियों को चेक करने के बाद ही भेजा गया नामांकन कक्ष तक। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने दी जानकारी। और लगातार बढ़ती ठंड की कहर से आम जनमानस नजर आ रहे हैं काफी परेशान। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, पूरे पूर्वांचल में 10 तारीख तक रहेगा घना कोहरा और शीतलहर। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।